सीएम नीतीश के पलटी मारने से जो एनडीए पहले काफी खुश नजर आ रहा था, वो नीतीश के आने के बाद एक अलग ही टेंशन में आ गई है। और टेंशन लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर है। जहां बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बैठाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि बिहार के कई विरोधी दल एनडीए की एक जाजम पर बैठ तो गए हैं, लेकिन किसको कितना हिस्सेदारी मिलेगी, ये टेंशन अभी भी बरकरार है। बीजेपी और जेडीयू के अलावा बिहार में एनडीए में चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के दल भी शामिल हैं, जिनके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। बता दें कि 2019 में बिहार में बीजेपी ने जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सूबे की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीट पर तो एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीट जीती थी। लेकिन 2022 में जेडीयू के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बन जाने के बाद बीजेपी ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले दल को साथ लिया। इसके अलावा दो गुटों में बट चुकी एलजेपी में एक की अगुवाई चिराग पासवान कर रहे हैं तो दूसरे का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। और जेडीयू की एनडीए में अब वापसी भी हो चुकी है, यानी 2024 में बिहार में एनडीए का स्वरूप 2019 से एकदम अलग है। ऐसे में सीटों का बंटवारा भी 2019 से अलग होगा। चलिए समझते हैं कि सीटों के बंटवारे में पेंच कहां फंसा हुआ है। पिछले चुनाव में जीती हुई बीजेपी अपनी 17 लोकसभा सीटें छोड़ने से हिचकिचा रही है, तो जेडीयू भी 2019 में जीती 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एनडीए में बचे बाकी दलों के लिए 6-7 सीटें ही बच रही हैं। दो धड़ों में बटी एलजेपी में नेता चिराग पासवान और पशुपति पारस सुलह के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान 2019 की तरह 6 सीटें मांग रहे हैं, तो पशुपति पारस की भी यही डिमांड है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की 2 सीटों की मांग है। जीतन राम मांझी के हिस्से में 1 सीट आनी है। बता दें कि बिहार में बीजेपी बड़े अरसे के बाद बड़े भाई की भूमिका में आई है, जिसे हर हाल में वो बनाए रखना चाहती है, इसलिए अपने कोटे की 17 सीटों में से एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जेडीयू भी समझौते के मूड में नहीं दिख रही। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ना निकलने से चिराग पासवान नाराज भी दिख रहे हैं, तभी तो बिहार में पीएम मोदी की रैली से दूरी बनाए हुए हैं। बहरहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एनडीए कैसे सीट शेयरिंग का पेच सुलझाता है। क्या चिराग पासवान की बलि चढ़ाएगा या चिराग को साथ रखने के लिए किसी और पार्टी को कुर्बानी देनी होगी, और कुर्बानी देनी भी पड़ी तो ये कुर्बानी कौन देगा, बीजेपी या जेडीयू?